नमस्कार, ई खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास है। अक्सर आपने सुना होगा कि पत्रकार हैं आप क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे, आपसे डरता कौन है और आप डराने के लिए पत्रकार बने ही क्यों हैं। सवाल लाजमी है और आपको जवाब बोलकर नहीं बल्कि पत्रकारिता करते हुए देना है। यानी कि आप लिखना जानते हैं, आप वीडियो बनाकर रिपोर्ट करना जानते हैं, आप कंप्लीट पैकेज करके वीडियो जर्नलिज्म जानते हैं, तो निश्चित ही आप जन सरोकार को ला सकते हैं, समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं और ऐसे सवाल जो आपके सामने आते हैं उनका मुंह तोड़ भी जवाब दे सकते हैं। इस मुंह तोड़ जवाब में मैं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजपूत आज इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ कि पत्रकार बनकर हम कुछ उखाड़ने के लिए पैदा हुए या हम कुछ नया सृजनात्मक करने के लिए पैदा हुए हैं। समाज में बहुत सारी चीजें हैं, नकारात्मक सकारात्मक, और पत्रकारिता का एक ही पहलू है कि जो भी घट रहा है चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, हमें हूबहू टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से दिखाना होता है। और ये पत्रकार का धर्म भी है कि वो पत्रकारिता के एथिक्स को फॉलो करते हुए समाज में नए परिवर्तन लाए, समाज में सूचनाओं से रूबरू कराए। आज इसी कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पत्रकार बनने के लिए आपको पावर का होना आवश्यक है। ऐसा आप सोचते हैं तो निश्चित ही आप गलत सोचते हैं। पत्रकार बनने के लिए आसपास की हो रही सूचनाओं, सूचना तंत्र और आसपास घटनाओं पर नजर रखनी होती है और इन्हीं नजर के चलते हुए हमें ये पता चलता है कि कौन सी घटना है, कौन सी कार्यक्रम है, कौन सी सूचना है जो खबर बन सकती है, और इन्हीं चीजों को जानकर हम समाज में तय करते हैं कि कौन सी खबर किस चैनल के माध्यम से, किस पत्रिका के माध्यम से, किस समाचार पत्र के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से दिखना ब्रॉडकास्ट होना चाहिए जिसका असर भी देखने को मिले। प्रशासन अपनी योजनाएं अपने कार्यक्रम में असंवेदनशील है, लगातार लापरवाहियां कर रहा है, समय पर उनको चीजें नहीं कर रहा है। ऐसे में आप उन समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, आसपास पानी बिजली या अन्य समस्याओं को भी आप उजागर कर सकते हैं, या समाज में बहुत सारे केसेज होते हैं जैसे कि घरेलू हिंसा का केस है, जमीनी झगड़े का केस है या अन्य तरह के जो केस हैं जो आपको लगातार देखने को मिलते हैं। पुलिसिंग प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, आप किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं या आपके साथ शोषण हो रहा होता है, ये सब चीज़ें आप मीडिया के माध्यम से, मीडिया के पास हेल्प लेकर जाते हैं, कोई आपका ठेकेदार है आपको तनख्वाह नहीं दे रहा है, ये बहुत सारे ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जो लगातार समाज में चलते रहते हैं और इन्हीं को सूचना के माध्यम से खबरों में हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। और ई खबर का ध्येय भी यही है कि आसपास जो भी घट रहा है वो हमारे लिए समाचार है, वो इम्पोर्टेंट है। कितना भी लोकल क्यों ना हो, अगर हम उसको सीरियस लेंगे, हमारा रिपोर्टर उस खबर को बनाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ के प्रशासन में, वहाँ के शासन में, वहाँ की जनता में हमारा विश्वास पैदा होगा और खबर का असर भी देखने को मिलेगा। तो आप पत्रकार हैं तो इस रुतबे के लिए ना जाएं कि आपको ओहदा मिलेगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपको नाम होगा। ये सब चीज़ें अगर लालच रखते हैं तो निश्चित ही आप पत्रकारिता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जन सरोकार से जो भी जुड़े मुद्दे हैं उनको समाज के सामने खबरों के माध्यम से दें। आप चाहते हैं कि आप आसपास घट रही घटनाओं को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, तो निश्चित ही आप एक होनहार पत्रकार बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि पत्रकारिता के लिए लेखन शैली कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, सबके लिए लिखना अनिवार्य होता है। आपको चार लाइन लिखना, चाहे वो आरटीए एक्ट के द्वारा खबर के माध्यम से या किसी भी व्याख्या करने के लिए सूचना को, हमें लिखना अनिवार्य होता है। और लेखन शैली आपकी अच्छी है तो निश्चित ही आप किसी देहात, गांव, जिले या मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। भाषाई ज्ञान, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या अन्य किसी भी क्षेत्रीय भाषा में हम काम कर रहे होते हैं, हमें उसका ज्ञान होना अनिवार्य होता है। शब्दों की तिकड़मबाजी पत्रकारिता नहीं बल्कि तथ्यों को जो तथ्यों दिखाना पत्रकारिता होता है। इसलिए आप ये गांठ बांध लें कि पत्रकारिता करने वाले हैं तो आपको जन सरोकार से जुड़े मुद्दे समाज के सामने लाने होंगे और ईमानदारी से पत्रकार का करियर है वो आपको आपको आगे बढ़ाना होगा। आप ये चाहते हैं कि आपको आसपास की पुलिसिंग प्रशासन या जनता जाने तो निश्चित ही आपको कर उजड़ने की चाह होनी चाहिए। आपको ईमानदारी से हर खबर पर नजर होनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, तो निश्चित ही आप कम समय में अपनी पत्रकारिता में पैठ बना सकते हैं और जो समाज में एग्जिस्टिंग पत्रकार हैं उनके साथ तालमेल बनाते हुए खबरों का इनपुट लें और खबरें ब्रॉडकास्ट करने में हेल्प लें। ई खबर डिजिटल मीडिया लगातार ऐसे ही टैलेंट को, ऐसे ही लोगों को
मोबिलाइज करती है, उनको आगे बढ़ाती है। इसलिए आप ई खबर के साथ जुड़कर पत्रकार बन सकते हैं। गूगल पर जाएं, ई खबर प्रेस आईडी कार्ड सर्च कर लें, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में पूरी जानकारी है, भरकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। गोला नंबर 8887102770 या 88710-22710। पत्रकारिता में एक और पहलू है कि बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, वो अपनी मीडिया को प्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनके पास एक बजट होता है। लेकिन जो मीडिया हाउस कम बजट में काम करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट फाइनेंस से काम करते हैं, विज्ञापन का उनके पास दबाव नहीं होता, ऐसी कंडीशन में ई खबर डिजिटल मीडिया लगातार हमारे रिपोर्ट्स को ट्रेंड करती है, उनसे खबर लेती है, खबर को ब्रॉडकास्ट करती है, और फाइनेंशियल क्राइसिस के रहते हुए भी ई खबर लगातार 6000 रिपोर्टर्स, संवाद सूत्र, वीडियो